तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है बेसिकली, और ये मैं मतलब इस क्लास में करवाया था, और फिर भी ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था और इसको मैं करवाता ही हूँ। टू स्टार जो है, टू स्टार है, हर एक का मास M1 है, मतलब ये स्मॉल m और स्मॉल m मास का स्टार है, और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास जो है टू स्टार ईच ऑफ मास है आर एट ए डिस्टेंस 2 × 10^11, मतलब ये इतनी डिस्टेंस पे रोटेट करें इन प्लेन अबाउट सेंटर ऑफ मास, इन ए प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है ये वाला, ये डिस्टेंस आर है, और ये इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू ये है, समझने की कोशिश करना, आर यही है, ठीक है। आर क्या है, टू स्टार में एट ए डिस्टेंस ऑफ आर रोटेट इन ए प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर एन एस्ट्रॉइड पासिंग थ्रू द ओ, और यहाँ से ए पॉइंट ओ है, और ये अपना एस्ट्रॉइड आ रहा है, कुछ स्पीड से आ रहा है, ठीक है, इधर से नीचे से एस्ट्रॉइड आ रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इसकी मिनिमम स्पीड, इस एस्ट्रॉइड की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस एस्ट्रॉइड की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू स्टार, यहाँ पर ओ पर जो है वो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाए। यार सिंपल सी बात है, तो इट विल स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस टू स्टार, मतलब ये इस साइड आ जाए यार, ठीक है, यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे ये, इसको इफेक्ट कर देंगे। चलो तो बात करते हैं, सबसे पहले ये एक लॉजिक है, और पिछला क्वेश्चन अगर देखे होगे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आया होगा, ये लॉजिक आया होगा, और इस लॉजिक को आप सब लोग याद कर लोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड से इस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, इस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल, हाँ, इस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से इस्केप करना है तो टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू जीरो ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को अगर इस्केप करना है तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ये बात तो आपको समझ में आना ही चाहिए। मतलब इस एस्ट्रॉयड की अगर टोटल एनर्जी इसके बराबर है, इक्वेट कर दूं ओ पॉइंट पर, ठीक है, तो बात बन जाएगी। ये कहाँ लगाऊंगा भाई, ये पॉइंट ओ पर, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ओ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ओ पॉइंट पे जब ये एस्ट्रॉइड, जब ये वाला एस्ट्रॉइड जो है वो ओ पॉइंट पर आएगा इस पॉइंट पे, तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी होगी, वो मिनिमम होगी, वो हमें चाहिए, वो चेंज नहीं हो रही है, और साथ साथ हमें इन दोनों की इंट्रैक्शन की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ओ पॉइंट पे इसके पास जो एनर्जी होगी, ये डिस्टेंस ध्यान देना सेंटर ऑफ मास, ये वाला डिस्टेंस टोटल आर है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये वाला आर है, ठीक है, ये यहाँ गड़बड़ हो गया था, ये आर नहीं है, ये रॉन्ग है, तो ये आर है ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा R/2 और ये डिस्टेंस आ जाएगा R/2। तो ओ पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी Gm, मास ऑफ दिस सेटेलाइट जो पार्टिकल मास करें, मास ऑफ एस्ट्रॉयड और R/2, और माइनस Gm और ये R/2, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m एस्ट्रॉयड का हाफ मिनिमम स्पीड का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू जीरो। तो ये वाला पार्टिकल तो होल्ड होना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -4 टाइम्स Gm Mr प्लस हाफ m भी मिनिमम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब मैं इसी को सॉल्व कर लूँगा, तो m यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो वेलोसिटी मिनिमम की एक्सप्रेशन बनेगी, वेलोसिटी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 Gm r√, तो 8 Gm r√ इतनी जो वेलोसिटी है मिनिमम होनी ही पड़ेगी उस एस्ट्रॉयड की। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू रख दो, तो इन सब में वैल्यू अगर रख दोगे तो भाई देखो वैल्यू रखो, तो अगर वैल्यू रखोगे तो चलो, तो यहाँ से वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर 8, और कैपिटल जी 6.67 × 10^5
माइनस 11 और मास, कैपिटल मास, मास की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10³। तो 3 × 10³ और डिवाइड कर दूँ रेडियस से तो 2 × 10⁻¹। तो 2 × 10⁻¹ ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ से हमें दिखने लगेगा। तो यहाँ से तुम दिख जो रेडियस है 2 × 10⁻¹, तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर टू और इक्वल टू 2.8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ ए स्पीड मिनिमम। तो इतनी या इससे अधिक, इसके बराबर या इससे अधिक स्पीड एस्ट्रॉइड का होगा तभी जाके ये ग्रेविटेशनल फील्ड से स्किप हो पाएगा। तो आई होप कि मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाया हूँ आपको, तो समझ में आ गया होगा। और एक लाइक और कमेंट तो बनता है यार ना। चलो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।